नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। केवल 2 महीने बचे हैं आपके फाइनल एग्जाम के, क्लास 10th और क्लास 12th के जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसको 2 महीने बचे हैं। आने वाली 4 मई से आपके जो फाइनल एग्जाम है वो शुरू होने वाले हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर ला सकते हो, या कह सकते हैं अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सकते हो। तो वो ऐसी कौन सी टिप्स है जो आप इस समय ये बचे हुए 2 महीने में यूज कर सकते हो और अपने रिजल्ट को सुधार सकते हो, तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहले तो आपको अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए। देखिए, अभी तक आपने किया नहीं किया वो छोड़िए, लेकिन अभी जो 2 महीने बचे हैं उसमें आप अपना एक टाइम टेबल सेट करिए, स्टडी का टाइम टेबल सेट करिए कि किस तरह से आप इस बचे हुए 2 महीने में अपने सभी सब्जेक्ट को ध्यान दोगे और उसके लिए पर्टिकुलर टाइम निकालोगे। मान लीजिए आपको एक दिन में 6 घंटे पढ़ने को मिल रहे हैं, 6 आवर्स आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। कम से कम 6 आवर तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा जितने भी आप ले सको, लेकिन 6 आवर्स आपको अभी से, यानी कि आज से ही सोच लीजिए कि मुझे 6 आवर्स डेली पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसके हिसाब से अब आपको टाइम टेबल सेट करना है। तो चलिए मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ कि किस तरह से आप टाइम टेबल सेट करोगे। मैं एक टाइम टेबल आपको बता रहा हूँ, अगर वो आपको ठीक लगे तो उसी को फॉलो कर लेना, अदरवाइज आप उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। चलिए, मैंने ये टाइम टेबल बनाया आपके लिए। देखिए, अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मैंने माना है कि एक दिन में आपको 6 आवर्स पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो आप किस तरह से इसको सेट करेंगे। तो देखिए, मैंने जिस तरह से बताया, पूरे 6 डेज के लिए आपको टाइम टेबल दिया है। आप डेली 2 से 3 आवर्स मैथ को दीजिए, इसके बाद 1 घंटे आप साइंस को, 1 आवर आप सोशल साइंस को, और 1 आवर जो बाकी 3 सब्जेक्ट बचे उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को पर डे ले लीजिए। इस तरह से आप अपना शेड्यूल जो है डेली का शेड्यूल तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये टाइम टेबल आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हो, या फिर इसमें मॉडिफिकेशन करके आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। टिप नंबर 3, आपको स्मॉल टारगेट सेट करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े टारगेट सेट करते हैं या बड़े बड़े गोल सेट करते हैं कि आज मुझे इस चैप्टर को फिनिश करना है। ठीक है, होता क्या, ये अच्छी बात है वैसे तो, लेकिन होता क्या, कई बार वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा और आप निराश हो जाओगे। तो इस निराशा से बचने के लिए आप स्मॉल टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट को उसी टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करने का भी निश्चय करिए। जैसे सपोज करिए कि मैंने एक गोल सेट किया, मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे 1 घंटे में ये एक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो मेरे लिए 1 आवर्स में एक एक्सरसाइज कंप्लीट करना ज्यादा आसान है बजाय मैं एक चैप्टर को दिन भर में कंप्लीट करूं। तो इसलिए मैंने क्या करा, स्मॉल टारगेट सेट करा और उसी ड्यूरेशन में जो मैंने टारगेट सेट किया है उसी ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट भी करूं। तो अगर आप इस तरह से करोगे, स्मॉल टारगेट सेट करोगे, तो उसको अचीव करना ज्यादा आसान होगा और आप इजीली उसको अचीव कर भी पाओगे। तो स्मॉल टारगेट आपको सेट करना है। टिप नंबर 4, आपको 2 से 3 घंटे डेली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए देना ही देना है, इससे कम मैथमेटिक्स को बिल्कुल नहीं देना। या ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा टफ लग रहा है उसको आपको 2 से 3 घंटे देना है। देखिए, अक्सर क्या होता है, बच्चों को मैथमेटिक्स ही टफ लगता है, इसलिए मैंने मैथ के बारे में लिखा। अगर आपको सोशल साइंस टफ लग रहा है तो आप सोशल साइंस को 2 से 3 घंटे दीजिए, अगर आपको साइंस टफ लग रहा है तो साइंस को आप 2 से 3 घंटे दीजिए। जो भी 5-6 सब्जेक्ट में से जो भी आपको सबसे टफ लगता है उसको कम से कम 2 से 3 घंटे डेली दीजिए, ताकि वो बाकी जो सब्जेक्ट है उसके लेवल में आ जाए। टिप नंबर 5, आपको करना क्या होगा कि जो कंप्लीटेड चैप्टर है उसको आप डेली रेगुलर बेस पे आप उसका रिवाइज कीजिए। बहुत बार क्या होता है, हमने सोचा कि ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, और आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपने कम से कम 10 डेज लगा दिए और पिछले चैप्टर जो आपने कंप्लीट किया उसको देखा भी नहीं, तो क्या होता है कि हम उसको भूल जाते हैं, वो ब्लैंक हो जाता है पूरा। तो आप क्या करिए, डेली बेसिस पे आप जो कंप्लीटेड चैप्टर है उनको रिवाइज करिए, चाहे थोड़ा थोड़ा रिवाइज कीजिए लेकिन रिवाइज जरूर कीजिए, ताकि वो आपके माइंड में हमेशा के लिए बने रहे। टिप नंबर 6, आप क्या कीजिए कि आपका आप जो प्रैक्टिस पेपर बनाते हो या प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन पेपर की, उसको टाइम के अकॉर्डिंग सेट कीजिए और टाइम के अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सपोज करिए आपने एक टेस्ट पेपर बनाया जो कि 10 क्वेश्चन उसमें लिए, तो उस 10 क्वेश्चन को आपको चाहिए कि आप 40 मिनट में उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हमने देखा कि 38 क्वेश्चन या 36 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो जो 38 क्वेश्चन को आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना रहता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन आपको 40 मिनट में कंप्लीट करना चाहिए। तो इसी तरह से आप अपना पेपर बनाइए, या कहीं जो आपके टीचर पेपर आपको दे रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को हमको कितनी देर में कंप्लीट करना है, ये ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो आप फाइनल पेपर को उस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे।
ठीक है। टिप नंबर 7, आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर या फिर सिंपल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें जो टाइम ड्यूरेशन दी है उस टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखते हुए उसी टाइम ड्यूरेशन के पहले उसको कंप्लीट करने की सोचिए। जैसे सभी जो सिंपल पेपर या प्रीवियस ईयर के पेपर आपने देखे होंगे उसमें 3 आवर्स का टाइम दिया रहता है, तो आप उस पेपर को 2.5 आवर्स में या फिर 2 आवर्स 50 मिनट या 2 आवर्स 40 मिनट में उसको कंप्लीट करने की सोचिए। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो एग्जाम के दिन आप 3 आवर्स में कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम के दिन आपके पास प्रेशर ज्यादा होता है, आप जो याद हुई चीज है वो भी भूल जाते हो कई बार, इसलिए आपको ऐसी प्रैक्टिस करना है कि 3 घंटे का पेपर आपको 2 आवर्स 40 मिनट में कंप्लीट करने की आदत होना चाहिए ताकि आप प्रेशर में उसको 3 आवर्स में कंप्लीट कर पाओ। टिप नंबर 8, आपको चाहिए कि आप जो जो टॉपर बच्चे हैं, जो प्रीवियस ईयर के टॉपर बच्चे हैं, उनकी कॉपी, उनकी आंसर शीट जरूर देखें। कई बार क्या होता है कि हमें आता तो सब कुछ है लेकिन हम लिखने की हमें कला नहीं है, हम लिख अच्छे से नहीं पाते हैं, या हमें क्या लिखना चाहिए एक्चुअल में वो हमें नहीं पता है, और हम बहुत कुछ लिख आते हैं लेकिन हमको उतना अच्छे नंबर नहीं मिलते। तो अगर आपको ये पता रहेगा कि हमें किस क्वेश्चन में या कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना पोर्शन लिखना है, कितने वर्ड लिमिट में लिखना है, तो आप आसानी से टाइम के अंदर सब कुछ कर पाओगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप जो जो आपके टॉपर बच्चे हैं उनकी कॉपीज देखें, उनके आंसर शीट देखें जो कि नेट पे आपको मिल जाएगी। इसका मतलब कि आप वर्ड टू वर्ड जितना बोला गया है उतना ही आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। टिप नंबर 9, बहुत जरूरी है ये, आप पेपर का जो सीक्वेंस दी है जरूरी नहीं कि आप उसको फॉलो करें। जैसे सेक्शन 1 पहले दिया तो जरूरी नहीं कि आपको सेक्शन 1 को पहले ही करना है, आप सेक्शन 5 को भी पहले कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको सेक्शन 5 से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आपको क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि बड़े बड़े नंबर के जो क्वेश्चन है वो आप पहले कर लें और छोटे छोटे नंबर के जो क्वेश्चन है, कम नंबर के जो क्वेश्चन है, उसको लास्ट के लिए छोड़ दें। मान लीजिए अगर वो कुछ क्वेश्चन छूट भी गए तो आपके बहुत कम नंबर के ही क्वेश्चन छूटेंगे। अदरवाइज आप क्या करोगे कि पहले छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन में जब आपने टाइम ज्यादा खराब कर लिया तो होगा क्या, बड़े नंबर के क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। इसलिए आप रिवर्स ऑर्डर में ही अपने क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करें। इसका मतलब ये 5th जो सेक्शन उसको पहले, फिर 4th को, फिर 3rd को, फिर 2 को और फिर 1st को, आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने ड्यूरेशन में आप कौन सा सेक्शन करें ताकि आप टाइम रहते हुए अपने पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप इस टाइम स्लॉट को अच्छे से करते हो, इस टाइम स्लॉट को फॉलो करते हो, तो टाइम रहते हुए आप बहुत आसानी से इस पेपर को कर पाओगे। देखिए, मैंने पहले नंबर पे ये 10th क्लास के लिए लिखा है और ये आपका 12th क्लास के लिए है, तो 10th क्लास के बच्चों के लिए पहले बता रहा हूँ कि जो 5th सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5, उस पर 3 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन को अगर 10 मिनट देते हैं तो आप 30 मिनट में उस क्वेश्चन पेपर, उस सेक्शन को कंप्लीट कर पाते हो। ये जो 4th सेक्शन है इसमें 7 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन में अगर 6 मिनट लगाते हो तो 42 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर को, तो 42 मिनट में आप उस सेक्शन को कंप्लीट कर पाओगे। 3rd सेक्शन जो है उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन को अगर आप 5 मिनट देते हो तो 30 मिनट में आप उस पोर्शन को कर पाओगे। इसके बाद जो 2nd है उसके अंदर 4 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन में अगर आप 6 मिनट भी देते हो तो 24 मिनट में आप उसको कर पाओगे। और जो लास्ट यानी कि 1st सेक्शन जो है उसके अंदर 16 क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं वो, उसको अगर 2 मिनट भी देते हो तो आप 32 मिनट में आप उस सेक्शन को कंप्लीट कर पाओगे। तो इस तरह से आप 36 क्वेश्चन 158 मिनट में कंप्लीट कर पाओगे और आपके पास फिर भी 22 मिनट बच जाएगा उस पेपर को रिवाइज करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप 30 से 35 मिनट में इसको कंप्लीट कीजिए, इसको आप 45 से 50 मिनट के बीच में कंप्लीट कीजिए, इसको आप 25 से 30 मिनट के बीच में कंप्लीट कीजिए, इसको आप 20 से 25 के बीच में कंप्लीट कीजिए और इसको आप 35 से 40 मिनट के बीच में कंप्लीट कीजिए, तो भी आप 180 मिनट में इसको पूरा कर पाओगे। लेकिन इसमें रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने आपको ये वाला स्लॉट दिया, इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ये है 12th क्लास का। 12th क्लास में ये जो 5th सेक्शन होता है वो 3 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन को अगर 12 मिनट भी देते हो तो 36 मिनट में हो जाएगा। दूसरे सेक्शन में यानी सेक्शन नंबर 4 में आपके पास 7 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 6 मिनट देते हैं तो 42 मिनट होते हैं। 3rd सेक्शन जो होता है वो आपका 10 क्वेश्चंस का होता है, एक क्वेश्चन को 3 मिनट देते हो तो 30 मिनट में कंप्लीट कर लेते हो। इसके बाद जो 2nd सेक्शन होता है वो उसमें ओनली 2 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन को अगर आप 6 मिनट देते हो तो 12 मिनट में आप खत्म कर सकते हो। जो 1st सेक्शन होता है वो होता है 16 क्वेश्चन का, अगर आप एक क्वेश्चन को 2.5 यानी 2.5 मिनट देते हो तो आप 40 मिनट में उस क्वेश्चन पेपर को, उस सेक्शन को कंप्लीट कर पाओगे। यानी कुल मिला के 160 मिनट में आप पूरे 38 क्वेश्चन कर लोगे, यानी कि आपके पास 20 मिनट बचे हैं जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चन पेपर को रिवाइज कर सकते हो।
अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो, जितना भी आपको टाइम आगे पीछे करना है, लेकिन आप ध्यान रहे कि कुछ न कुछ समय आपके पास रिवीजन के लिए रहना चाहिए। टिप नंबर 10, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा हो, बार बार करने पर भी उसका आंसर नहीं आ रहा हो, फालतू में टाइम खराब हो रहा हो आपका, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। बहुत बार क्या होता है, बच्चे किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे लग जाते हैं, उसके आंसर नहीं है, जब तक करते ही रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी टाइम ज़्यादा खराब हो जाता है और उस टाइम की वजह से आगे के क्वेश्चन छूट जाते हैं, मतलब लास्ट में जब आप जाते हो तो आपके पास टाइम कम पड़ जाता है और क्वेश्चन आपके बच जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अगर कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा हो, वो टाइम ज़्यादा खराब कर रहा हो, तो आपको उसको वहीं पे छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। अगर मान लीजिए लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन में फिर आप अपना टाइम लगा सकते हो, लेकिन आप बीच में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन फंस जाए तो ऐसा आपको उसी के पीछे नहीं लगना है, आपको छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जिसको यूज करके आप अपने पेपर को या अपना जो टाइम बचा हुआ है 2 महीने का, इसमें बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे कि परीक्षा हाल में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिसके कारण हम अच्छे से हमारे पेपर को कर पाएं, या कह सकते हैं कि किस तरह से लिखें, यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको बताऊंगा कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए जिसके थ्रू आप अच्छे से पूरे नंबर ले पाएं। तब तक के लिए आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।